आदिवासियों के डीएनए की जांच कराने का जो मदन दिलावर का बयान था वो अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है और बीएपी ने इसको लेकर आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है। बीएपी के सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत मंत्री के निवास पर जाकर उनको अपने डीएनए का सैंपल देना चाहते हैं, उसको लेकर वो विधानसभा के सामने शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए, मगर यहाँ पर पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको आगे जाने से रोक लिया है। मंत्री के निवास तक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तरह की तानाशाही रवैया सामने आ रहा है और ये तानाशाही रवैया कहीं के आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है शांतिपूर्वक तरीके से सरकार चलाए, सभी समुदाय को साथ में लेकर सरकार चलाए, किसी समुदाय को बेइज्जत करने का, किसी समुदाय के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाने के बयानबाजी से वंचित रहे, ये लोग दूर रहे इनसे। बिल्कुल, मैं आदिवासी समुदाय हिंदू व्यवस्था में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय नहीं आता ये भाजपा स्वयं कह रही है। झारखंड के अंदर प्रस्ताव बना के भेजा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भाजपा ने, ये बयान दिया गया है कि हम लोग भाजपा के प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि आदिवासी समुदाय हिंदू में नहीं आता है, यही रही रुकने वाला है। अगर ये 6-7 दिन के अंदर इसका कोई निस्तारण नहीं निकलता है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और विधानसभा के अंदर भी इस बात को पुरतौर तरीके से हमारे साथी उठाएंगे, साथ ही लोकसभा के अंदर भी बात उठेगी। और यही नहीं होता, उनका अगर उस आदमी को नहीं फटाया गया तो आने वाले समय में भाजपा को आदिवासी इलाकों में घुसने नहीं दिया जाएगा। राजकुमार जी एक बात बताएं, ये मदन दिलावर का बयान है या पार्टी के कुछ दूसरे नेता है बीजेपी का जिम्मेदार? ये पर्टिकुलर अभी मदन दिलावर जी का बयान है, लेकिन पार्टी भी इतनी जिम्मेदार है क्योंकि पार्टी का भी कर्तव्य बनता है कि उनका मंत्रिमंडल में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयान करता है तो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना चाहिए। अभी आप सिंपल देने जा रहे थे, पुलिस से क्या रोका है आप? पुलिस ने हमको रोका गया है, ये कहा गया है कि मदन दिलावर जी यहाँ नहीं है अभी और यहाँ 144 लगी हुई है, तो उनकी बात मानी, हमारा सैंपल उन्होंने लिया है पुलिस प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि सैंपल उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर 6-7 दिन के अंदर मदन दिलावर जी ये स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, हम कौन है वो ये बताएंगे, हमको ये सर्टिफिकेट देंगे, समुदाय से माफी मांगे और मंत्री मंडल पद से इस्तीफा दे, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, समुदाय से माफी नहीं मांगते हैं तो विधानसभा का घेराव भी होगा और पूरे देश के अंदर एक आंदोलन छेड़ा जाएगा क्योंकि उन्होंने आदिवासी के स्वाभिमान पे अंगुली उठाई है। आपको क्या लगता है मदन दिलावर इस तरह का बयान क्यों दिया है? मदन दिलावर जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका ऐसा लगा, कोई आधार नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का मंत्री किसी के डीएनए की बात करे, किसी की आइडेंटिटी की बात करे, इस तरह का आज तक किसी भी मंत्री किसी भी व्यक्ति ने किसी भी समुदाय के लिए इस तरह का बयान नहीं दिया गया है जिस तरह से बयान मदन दिलावर जी ने दिया गया है। आपको लग रहा है मानसिक संतुलन बिगड़ा है? सोचा समझा कि जिस तरह से बीएपी वहाँ पर वर्चस्व बना रही है, आदिवासी समुदाय से जोड़ रहा है तो उसको हिंदुत्व से जोड़ने के लिए डीएनए का क्या मामला है? भाजपा के लोग यहाँ कह रहे हैं, मदन दिलावर जी, किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर आपने 10 नवंबर 2022 को आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजा और भाजपा ने समर्थन दिया, उस समय भाजपा के प्रतिपक्ष नेता ने कहा है कि हम लोग नहीं आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म में नहीं आते, तो झारखंड की भाजपा और यहाँ की भाजपा अलग है। भाजपा खुद अपना स्टैंड क्लियर कर ले पहले, हम क्या चाहते हैं। इस बहस को बेवजह उन्होंने छेड़ा है और इसका अंजाम बुरा होगा, इस बात का यही विराम चाहते हैं ये शांतिपूर्वक, तो यही कि मदन दिलावर जी आदिवासी समुदाय से माफी मांग ले और पार्टी हाईकमान उनको पद से हटाए, ये सबसे बेस्ट रहेगा।